उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मेट्रो को मंजूरी दे दी है। गोरखपुर से लखनऊ रवाना होने से पहले योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में योगी ने क्या क्या निर्देश दिए, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद। गोरखपुर प्राधिकरण के इस ऑफिस के अंदर लंबी बातचीत करने के बाद अब बाहर निकले हैं। लंबी बैठकों का दौर चला है। इस मंडल में अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की। यहाँ पर जो आशा बहुएं हैं वो उनसे मिल रही हैं। पीआरडी के जवान जो अपना लगातार इस बात को कह रहे थे कि उनको नौकरी चाहिए, उन्होंने अपनी विज्ञप्ति सौंपी है। जो आशा बहुएं महिलाएं हैं जो कि आज गोरखधाम के ठीक सामने प्रोटेस्ट कर रही थी, वो यहाँ पर मिली हैं। उनसे मिलने के बाद अब वो भी विज्ञप्ति दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी अंदाज में इस समय योगी आदित्यनाथ दोबारा इस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर वो अपने सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ठीक जैसे अपने गोरखनाथ धाम के अंदर 8 बजे से लेकर 11 बजे तक वो सभी से मिलते हैं, ठीक वैसे ही इस समय वो तमाम कर्मचारियों से जिनको यहां पर बुलाया है इस मंडल के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ठीक सामने इस समय योगी आदित्यनाथ हैं और ये मिलने के बाद अब ये वापस जा रहे हैं। क्या बोला आपसे, क्या कहा उन्होंने? कहे हैं कि सुन देखा जाएगा, ज्ञापन बताएंगे। हमारे लिए वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में देखिए जेल के अंदर पुलिस वर्सेस कैदी।